नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा। जिस प्रकार श्री राम जी द्वारा सेतु निर्माण करते समय एक छोटी सी गिलहरी ने अपना छोटा योगदान दिया था, जिसे आज भी याद किया जाता है, उसी प्रकार इस कोरोना महामारी में सभी नागरिकों ने अपना कर्तव्य समझकर अपने सामर्थ्य के हिसाब से यथासंभव मदद की है। ऐसे ही बेहतर तहसील के समस्त शिक्षकों जो आदिवासी विकास विभाग में कार्यरत हैं, उनके द्वारा एक बड़ी राशि एकत्रित की गई और अनुविभागीय अधिकारी गुरु प्रसाद के माध्यम से चिकित्सा अधिकारी हरीश मसराम को एक फ्रीजर, 5 फ्लो मीटर मशीन और 12 जंबो ऑक्सीजन सिलेंडर दान स्वरूप दिए गए, ताकि भविष्य में अगर कोरोना महामारी की तीसरी लहर आती भी है तो हम अपने चिकित्सालय को समर्थ कर सके, ताकि इन उपकरणों की मदद से किसी की जान बचाई जा सके। अस्पताल परिवार की तरफ से आभार व्यक्त करता हूँ। उन्होंने जो पहल करी है अस्पताल में मूलभूत सुविधाओं को बेहतर करने के लिए, जो उन्होंने जो दान दिया है, ये हमारे आने वाले तीसरी लहर में कोरोना से लड़ने में बहुत ज़्यादा मददगार होगी, जिससे कि हम अधिक से अधिक बच्चों की, लोगों की जान बचा सकेंगे। मैं पूरे शिक्षक संघ को फिर से दिल से अपनी तरफ से, मनीष तिवारी हमारे उनकी तरफ से और पूरे अस्पताल परिवार की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं और आभार व्यक्त करता हूँ। आपको पता है कि अभी भी तीसरी वेव की तैयारी में हम लोग लगे हुए हैं और इसी में जो हमारे शिक्षकगण हैं बैयर विकासखंड के, उनके तरफ से जो है कि हमारे हॉस्पिटल को 5 किलोमीटर, 12 जंबो सिलेंडर, एक बॉडी फ्रीजर जो है कि दान स्वरूप दिया गया है। ये एक बहुत अच्छी पहल है और हमें पता है कि शासन प्रशासन के साथ जब तक समाज नहीं जुड़ेगा तब तक इस महामारी की लड़ाई में हम लोग सफल नहीं हो सकते। मैं बहुत ही धन्यवाद व्यक्त करता हूँ पूरे शिक्षकगण का। थैंक यू।